महानगर कोलकाता के 39वें वार्ड में कांग्रेस वर्कर्स के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो की पुकार पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पुकार पर हाथ से हाथ जोड़ो का ये कार्यक्रम मुल्क भर में आयोजित हो रहा है, जिसकी एक धमक कोलकाता के 39वें वार्ड मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में भी सुनाई दी। मोहम्मद शमशाद वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की क्यादत में इंतखाब अख्तर जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट के सरपरस्ती एवं मोहम्मद आलमगीर उर्फ राजू ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस कमेटी की निगरानी में चल रहे इस जनसभा का संचालन मोहम्मद शकील अंसारी ने की। इस प्रोग्राम में एक्स काउंसिलर अख्तर हुसैन राई, सुशील कुमार सिंह, जुनेदुल हक, संदीप भट्टाचार्य, मोहम्मद मुन्ना अंसारी, जॉइंटो आइच, गोविंदो चक्रवर्ती, तपन दास वक्ता के रूप में उपस्थित थे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्यों हमें ये कहना पड़ रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो? इसलिए कि हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोया गया है। जिस तरीके से आरएसएस, संघ परिवार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय परिषद, इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एक जहर घोल रखा है, उस जहर को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने एक पहल की और वो पहल है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत चुनर जलती है, हम बनते बादल काले हैं, हम बनते बादल काले हैं, हम अमर तिरंगे वाले हैं, हम भारत के मत वाले हैं, हम अमर तिरंगे वाले। आजादी के बाद से कौमी दुश्मनी ने हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया है और आज वही लोग जब दिल्ली में बैठे हुए हैं तो इनके विरोध में आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस के साथीगण सड़क पर हैं, और जिसका मकसद यही है जो हमेशा से हमारा मकसद रहा है, सबको साथ लेकर जो काम वाला वही बदनाम वाला बड़ा बाजार के शमशाद हमारे जहांगीर भाई, चार लोगों ने हमेशा प्रोग्राम किया। आज विधवा के लिए जो प्रोग्राम नहीं होता रहा उसके लिए प्रोग्राम किया। कांग्रेस ने काम करने के लिए बताया है, यहाँ पे कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई जगा है, खून देना सीखा है, खून देने नहीं सीखा है। इंदिरा गांधी ने अपना खून दिया, महात्मा गांधी ने खून दिया, राजीव गांधी ने खून दिया, बलिदान दिया यहाँ पर। यहाँ इसके वजह से हम लोगों ने कुछ रहना चाहते हैं और हम लोग यहाँ के लोग चाहे जितने भी धमकी दे मगर हमारे यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के सहकर्मी हैं हमेशा आवाम के साथ है और आवाम के साथ लड़ा। हमारे हाई कमांड जो आज 4000 किलोमीटर चली है पैदल, मैं तो सबसे पहला पूरा वर्ल्ड के इंटरनेशनल में बोल सकता हूँ कि आज के प्रधानमंत्री होने से पहले इसने अपना एक साबित कर दिया है कि वर्ल्ड के अंदर में कोई सा प्रधानमंत्री 100 किलोमीटर चल के दिखा दे। हमारे राहुल गांधी ने जो चल के दिखाया है आमाम के बीच में, ये मोहब्बत बांटे हैं कि हम आपके संग में हैं और हम आपके संग में कैसे हैं, जो आज पैदल यात्रा कर रहे हैं हमारे हर प्रधानमंत्री को देख लीजिए, 5 किलोमीटर नहीं चलते हैं, हर एसी गाड़ी है, क्योंकि हमारे पास ये जो इनके दादी प्रधानमंत्री रह चुके, इनके बाप प्रधानमंत्री रह चुके, क्या इनके शौक नहीं है? मगर नहीं, ये अमाम के बीच में दिखाए हैं कि हम लोग जमीन से जुटे हुए और पापी के बीच में जुट के हम लोग काम करने चाहते हैं। हमारे राहुल गांधी ने वो एक इतिहास कर दिया। देखिए, हम लोग तो हमारे कांग्रेस का एक ही कलाम है कि हम जनता अमाम के संग में हैं। इस 34 साल सरकार सीपीएम के थे जिसको ख़त्म करने के लिए आज कांग्रेस संघ में टीएमसी मिलके हम लोग इसको किया। आज टीएमसी ने अपने औकात दिखा दिया। आज आने वाला दिन में मैं उसी सीपीएम को
लेके सरकार बना के पश्चिम बंगाल में फिर चेंज करूँगा और दिल्ली में 2024 में हम लोग अपना सरकार बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हम लोग भाई भाई रहेंगे, यही हम लोग का। आइए, हमारे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा पूरा हिंदुस्तान में प्यार का एक हवा चलाए, बहुत अच्छा हवा रहा, उनके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार है जो काम किए राहुल गांधी ने और उसके पूरे परिवार गांधी परिवार ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए हर चीज़ का बलिदान दिया, हर चीज़ का बलिदान दिया। आज राहुल जी में जो बलिदान दे रहे हैं बस के बाद में हिंदुस्तान में बदलाव आ चुका है। आज 2024 में इंशाअल्लाह ताला दिल्ली का तख्त में कांग्रेस कांग्रेस रहेगा। पब्लिक की क्या समझ में, पब्लिक के साथ आप मिल रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हवा है, बहुत अच्छा, कांग्रेस का बहुत अच्छा पोजीशन है। और जो भी वातावरण खराब मोदी करा था, अदानी का बारे जितना राहुल गांधी आगे भी बोल रहा था उस सब खड़ा उतर के आ गया और देखिए अदानी क्या करा है और मोदी जी ने क्या करा है। और दीदी मुनि ने पूरा पार्टी हिंदुस्तान का समर्थन किया, मीटिंग किया, उसमें दीदी का ना कोई MP था ना दीदी खुद थी, उसको दावत भी दिया गया, बुलाया गया अदानी का खिलाफ में और मोदी का खिलाफ में। दीदी मुनि नहीं कुछ बोलेगी, दीदी मुनि बोलेगी तो शारदा नारदा ED CID सब ले जाएगा उसका वाइपो को, इस वजह से नहीं बोलेगी, वो समर्थन करेगी अदानी का। गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा 480 किलोमीटर कम्प्लीट कन्याकुमारी तो कश्मीर में जाके ख़त्म किए और उसी दिन उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो का यात्रा लोगों से लगाओ लोगों से जोड़ने का यात्रा किए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो मैंने बूथ लेवल में किस तरह लोगों से हाथ जोड़ा जाएगा, हाथ से हाथ लोगों से मिल के रहने का ये यात्रा निकाले हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। इसी की शुरुआत जो है आज हम लोग 39 नंबर वार्ड में शुरुआत किए हैं, लोगों से जुड़ने के बात किए हैं।